हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइज, तो दो दिन में बहुत व्यस्त था, मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए गाइज, फिर से हम उठ गए हैं। आज है वैसे संडे है और बच्चों की छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, अब मंडे को इन लोगों का पेपर है सभी का, तो अब तैयारी करेंगे लोग। बाकी मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, संडे को भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है। जहाँ भी जाएंगे गाइज तो आपको ज़रूर मैं व्यू दिखाऊंगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं हम अपने ऑफिस। हम फाइनली पहुँच गए हैं, स्कूटी खड़ी कर दी हमने, चलते हैं अंदर। साफ करते हैं गाड़ी, कपड़ा पड़ा लगाते हैं गाड़ी पर, तो बैठते हैं आराम से। पहुंच गए हैं ऑफिस, ऑफिस से निकला है। ये जो नया अंडरपास बना है, इसी सीधा इंडिया गेट निकलता है, तो इंडिया गेट का व्यू आपको दिखाएं गाइज। फिलहाल गाइज आज रात को हुई है खूब सारी बारिश, और ये देखिए इंडिया गेट सामने आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सर्कल है इंडिया गेट का, और यहाँ से हम गुजर रहे हैं और जा रहे हैं ग्रीन पार्क। तो गाइज बने रहिए आप ब्लॉग में, आपको काफ़ी अच्छा सुंदर सुंदर व्यू और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आपको कराऊँगा। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में। ये फिलहाल अभी सर्कल चल रहा है इंडिया गेट का और हम जा रहे हैं ग्रीन पार्क। इस काफ़ी बारिश हुई है, इससे पेड़ों पर जो धूल मिट्टी थी सब नीचे आ चुकी है, पेड़ एकदम ग्रीन हो गए हैं, और ग्रीन पार्क में हम जा रहे हैं। देखिएगा वहाँ पे हम ग्रीन पार्क में करेंगे जगन्नाथ मंदिर के भव्य दर्शन, तो आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। चलिए चलते हैं ग्रीन पार्क। गाइस फिलहाल हम एम्स के पहले जो फ्लाईओवर है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, और काफ़ी यहाँ पे फूल वगैरह होते हैं, इस छोटा सा गार्डन बना रखा है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब फागुन का महीना चल रहा है, तो फूल वगैरह दिल्ली में सबसे ज़्यादा होते हैं गाइस। और फिलहाल यहाँ पे सामने है एम्स और सफदरजंग, दोनों हॉस्पिटल आमने सामने हैं, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं और काफ़ी तादाद में दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। इसमें से मेरे पिताजी भी सफदरजंग में भर्ती थे 2015 में, और वो इलाज उनका नहीं हो पाया है और एक्सपायर हो गए थे। मैं इसमें काफ़ी रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का ज़्यादा, यहाँ देखते ही मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, कि मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे था हॉस्पिटल में, तो वो देखते कि वो याद आ जाते हैं। गाइस हम पहुँच गए हैं अपना ग्रीन पार्क, और ग्रीन पार्क काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी पॉश एरिया है, तो हम ग्रीन पार्क आ गए हैं। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा पार्क भी है, डियर पार्क बोलते हैं, जिसमें हिरन भी है, मैंने आपने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। फिलहाल हम गाइस यहाँ पहुँच गए हैं अपने ग्रीन पार्क। तो गाइस यहाँ तक आए हुए तो थोड़ा मत्था टेक लें यार, भगवान जी का मंदिर है, उनका नाम भूल गया, काफ़ी फेमस है वो, थोड़ा सा बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं, वहाँ चलते हैं। पूरा रोड है, इस पर मार्केट। गाइस आज फिलहाल रात को दिल्ली में हुई है खूब सारी बारिश संडे को, तो इसलिए मुझे जैकेट पहननी पड़ी, क्योंकि जैकेट लाइक है नहीं अब ठंड, लेकिन आज थोड़ी ठंडक लग रही है, तो इसलिए जैकेट डाल ली है मैंने। और फिलहाल मैं आ गया हूँ आज ग्रीन पार्क, तो थोड़ा ये सामने का जो आपने देखा ही होगा पूरा मार्केट है, ये देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9:26 हुए हैं इस टाइम, तो अभी वैसे मार्केट नहीं खुली, लेकिन इस रोड पर काफ़ी भीड़ होती है दिन में। और यहाँ पर एवरग्रीन मिठाई वाला है, वो काफ़ी फेमस है, जो कि ग्रीन पार्क में है, ये है एवरग्रीन, और यहाँ फल फल वगैरह हैं। और आगे चलते हैं, एक है मंदिर यहाँ पे, वहाँ के बाहर से ही दर्शन करेंगे हम, तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। और काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट हैं यहाँ पे, ग्रीनरी ज़्यादा है ग्रीन पार्क में, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए रोड ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से पेड़ों का फ्लाईओवर बना हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है एक डियर पार्क है जहाँ हिरन है, उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता, पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आप लोग देख सकते हो। चलिए हम चल रहे हैं आगे की ओर, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है, और खुला होगा तो हम अंदर चलते हैं, अभी खुला होगा अभी तो सुबह सुबह, गाड़ी यहाँ लगा देते हैं, तो चलते हैं, गाड़ी हमने यहाँ लगा दी, हम थोड़ा चलते हैं। से गेट आ गया, देखिए गेट से होगा एंटर, इतना प्यारा मंदिर है, यहाँ पे आ गए हम दर्शन करते हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर है, आए हैं यहाँ पे तो दर्शन भी करते हैं हम। जय हो बाबा, ओ गाड़ी, राम राम।
चंदन चंदन भोलेनाथ। देखिए गाइस कितना सुंदर मंदिर है, काफ़ी प्यारा मंदिर है, हमें यहाँ भी दर्शन करते हैं। गाइस जगन्नाथ मंदिर में इतना भव्य दर्शन है, आप लोग भी कीजिएगा दर्शन। काफी विशाल का मंदिर है, साउथ का है मंदिर, प्रदान पत्र काफी बड़ा देखिए। काफी विशाल का है, देखिए बगीचा कितना प्यारा है, देखिए बगीचा। तो चलिए हम चलते हैं वापसी, गाड़ी खड़ी कर दिया, थोड़ा आए थे दर्शन कर लिए प्रभु के, अब चलते हैं बाहर। चलो जी पंडित जी तो पाठ कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर वापसी, निकल रहे हैं अब। गाइस बहुत प्यारे दर्शन हो गए, जगन्नाथ मंदिर है ग्रीन पार्क में, आप पीछे देख रहे हो ग्रीन पार्क में जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ दर्शन कर लिए मैंने, अब मैं वापसी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। कितना प्यारा मंदिर है, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए सुबह सुबह, तो देखिए। तो चलिए गाइस आ गए हैं वापसी गाड़ी में, दर्शन भी बड़े प्यारे हो गए भाई, चलिए चलते हैं, आज का दिन तो शुभ हो जाएगा, चलते हैं, बड़े प्यारे दर्शन हो गए, कब मिलता है टाइम, इतना मिलता है। तो चलो गाइस हम आ गए हैं वापसी, गाड़ी मोड़ते हैं अब, जल्दी चलते हैं वापसी। चलो चलिए गाइस, छुट्टी कम मिलती है मुझे, इसी में काम हो जाता है। हे जगन्नाथ मंदिर, सबकी इच्छा पूरी करना मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा। तो चलिए गाइस चलते हैं, आ गए हैं जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करके, बहुत मज़ा आया, आप लोग भी कभी आइएगा, ग्रीन पार्क में है जगन्नाथ मंदिर, बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों के साथ आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।